हेलो एवरीवन, मैं कोमल बंसल माँ बेटी रसोड़ा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम बनाएंगे गणपति जी का सबसे फेवरेट प्रसाद मोदक, वो भी घर के तीन सिंपल इंग्रेडिएंट यानी गेहूं के आटे, खांड और घी के साथ बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होते हैं। सबसे पहले हम यहाँ लेंगे आधा कप गेहूँ का आटा नॉर्मल, जिससे हम रोटी बना करके तैयार करते हैं। साथ ही में हम यहाँ लेंगे 1/4 कप घी। हमने यहाँ देसी घी लिया है यानी शुद्ध घी, आप रिफाइंड या वनस्पति का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मोदक तो वैसे देसी घी में ही अच्छे लगते हैं। साथ ही में हम यहाँ लेंगे 1/2 कप शक्कर, आप यहाँ जिसको खांड या फिर मीठी चीनी बोलते हैं वो भी ले सकते हैं। गैस पर हम रखेंगे एक कढ़ाई। कढ़ाई में सबसे पहले हम ऐड करेंगे शुद्ध घी। घी को अच्छी तरह गर्म करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे हमारा आटा। आटे को हम लगातार चलाते हुए हल्का हल्का गोल्डन ब्राउन कर करके तैयार करेंगे। साथ ही में हम इसको प्यारा सा कलर देंगे ताकि इसका कच्चापन निकल जाए और हमारे मोदक खाने में बहुत ही टेस्टी लगे। ये देखिए, हल्का हल्का कलर चेंज होना शुरू हो गया है। लगातार चलाते हुए हम इसको पूरा गोल्डन ब्राउन होकर कर तैयार करेंगे। जैसा हम हलवे का कलर लाते हैं आटा सेककर, वैसा ही हम इसको बना करके तैयार करेंगे। देखिए, हमारे आटे ने हल्का हल्का घी रिलीज़ करना शुरू कर दिया है। इसी स्टेज तक हम इसको सेककर तैयार करेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे बारीक कटा हुआ बादाम। आप अपनी पसंद से कोई भी ड्राई फ्रूट ऐड कर सकते हैं। सभी चीज़ों को हम मिक्स करेंगे। मिक्स हमारा हल्का ठंडा हो चुका है। अब हम यहाँ ऐड करेंगे हमारी खांड यानी शक्कर। शक्कर को भी हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। खांड अच्छी तरह मिक्स करने के बाद हम लेंगे एक नींबू के आकार की बोल, उसको हाथों से अच्छी तरह से लड्डू के आकार देंगे। फिर दूसरे हाथ में हथेली पे रखकर नीचे से चपटा करेंगे। सारे साइड से अंगुली और एक तरफ अंगूठा दोनों साइड दबा करके हम इसको अच्छा सा एक कोन बना करके तैयार करेंगे। फिर ऊपर का नोक पकड़ के हम इसका, जैसे मोदक में चोंच होती है उसी प्रकार से इसको बनाकर तैयार करेंगे। आप अपनी पसंद से अगर मोदक नहीं बनाना चाहते तो इसके लड्डू भी बना सकते हैं। इस तरह से हमने हमारा मोदक बना करके तैयार कर लिया है। अगर आपके पास मोल्ड हो तो आप मोल्ड में भी अच्छी तरह से मोदक बना सकते हैं, नहीं तो हमारी तरह आप एक फोक लेकर उसकी हेल्प से डिज़ाइन बना सकते हैं, बिल्कुल मार्केट स्टाइल मोदक का। लग रहा है ना, बिल्कुल मार्केट जैसा मोदक। आप भी बनाएं हमारी तरह बिना मोल्ड के मार्केट जैसे मोदक, वो भी तीन चीज़ों से बहुत ही टेस्टी बनकर के तैयार होते हैं। गणेश जी बहुत ही खुश होने वाले हैं ये मोदक खा करके। आप बनाएं ज़रूर। गार्निश करेंगे हम इसे पिस्ता, बारीक कटे हुए बादाम और किशमिश से। आप अपनी पसंद से किसी भी ड्राई फ्रूट के साथ इनको गार्निश कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी मोदक बन करके तैयार हुए हैं। कमेंट करके बताइएगा ज़रूर आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको और भी इनोवेटिव रेसिपीज़ देखनी है तो माँ बेटी रसोड़ा को सब्सक्राइब